ताकि 26 जनवरी के दिन तो उनके लिए जन गण मन गाता रहे, ये बोल देते हैं जन गण गाता फिरे, या बोल दो तुझे मारने की नहीं अपाहिज बनाने की चाहत है, ये ठीक रहेगा। ऑर्डर। एक बड़े ही खूबसूरत इंटरव्यू के बाद एक बार फिर से रंजीत जी दोबारा इंटरव्यू के लिए तैयार हुए हैं। आतंकवादी की शूट खत्म हो चुकी है और डबिंग शुरू हो गई है। रंजीत सर डब कर रहे हैं। सर आपकी बुलंद आवाज में डायलॉग सुना। हाँ जी राज साहब जी, यार है भाई राज साहब को दो, डायरेक्टर साहब को। हाँ जी अभी ये ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो मुझे बड़ा आज दिमाग फिरेला है मेरा, पूछो क्यों? क्यों सर, ऐसे क्या बात? सब लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, क्या हम ना ही बोल सकते हैं का? वाह क्या, हमारा डायलॉग लिख रहे थे ना भोजपुरी में। अरे आप बहुत बढ़िया भोजपुरी। अच्छा अच्छा, आतंकवादी दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन आतंकवादी दिखा रहे हैं इसमें, लग रहा है पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए हुए हैं इसलिए हिंदी। अच्छा, में अच्छा, आज चलो आप रियल आतंकवादी लग रहा है। उर्दू आज क्या यार, मैं हमेशा ही सोचता हूँ, आजकल पेंट शर्ट नहीं पहनता हूँ। हाँ जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? मैं सर पूछ रहा था, डबिंग शुरू हो गई, आपके डायलॉग्स हिंदी में है अभी जैसा आपने बताया। हाँ जी, क्यों ऐसा सर? अभी बताया ना डॉक्टर साहब ने कि ये जो कैरेक्टर है बाहर से आया है ना बॉर्डर के उस तरफ से, और उसकी भाषा तो वो भोजपुरी थोड़ी बोलेगा जी, वो तो अपनी जो उर्दू है वही लैंग्वेज बोलेगा। तो मैंने उर्दू में करेक्टर के हिसाब से बोला है, नहीं तो मैं तो लिख के देंगे याद करके कुछ ही बोल देता हूँ। अभी कहा हम बोले है ना अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा ही बोलते हैं ना जी। चलिए, आपको भोजपुरी भाषा बहुत पसंद है? अरे भाई भोजपुरी तो इसमें तो रिदम बहुत है और क्या म्यूजिक बहुत है, और बहुत ही लोगों को लगता है कि जरा गुस्से से बोले लेकिन हमको तो मिठास लागत है, अच्छी लगती है। मैंने वैसे सब लैंग्वेज में काम किया है जी, और भोजपुरी में ये राज साहब ने बुलाया नहीं। चलो अगली फिर पिक्चर करेंगे, अगर मेरे चाहने वालों ने भोजपुर में भोजपुरी हमें देखा मेरे को उन्होंने पसंद किया तो राज बाबू खुद ही आएंगे देंगे कोई भोजपुरी में मेरे को रोल देंगे। रंजीत सर गाने भोजपुरी के बहुत हिट रहते हैं, आप जिस फिल्म में काम कर रहे हैं खेसारी जी के साथ उनके भी गाने बड़े सुपर हिट रहे हैं, कोई गाना आपको पसंद आया हो? नहीं वो कहा है कि वो सुनाए हाँ गाना हमको, और वो बड़े अच्छे सिंगर है, बहुत मशहूर है, और उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लड़का है, एंड पूरा जी जान से मन लगा के जब मैं पहली बार पालनपुर पहुँचा तो वो तो शूटिंग में गए हुए थे, तो मैंने मैनेजर को बोला कि ये कमरा किसका है, बोले यहाँ पर हीरो हैं, खोलो तो अंदर देखा वह पूरे डंबल बम्बल जिम का सामान पड़ा हुआ था और कोई ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था। मैंने बोला यार जिम तो हम करते नहीं क्योंकि हम तो पुराने ज़माने के आदमी हैं, तो ड्राई फ्रूट की मैंने बोतल उठाई और खाने शुरू कर दिए, और रात को वो अपना आए कमरे में तो देखे साले मेरे बादाम किधर गए फिर मैंने बोला अरे भाई वो तो हम खा गए, अब मुकाबला करना है ना तो थोड़ा वैसी हेल सुनो सेहत बनानी पड़ेगी। खैर बड़ा मज़ा आया काम करके उनके साथ, बड़े अच्छे हैं, डिसेंट हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार भी बड़े प्यार से बात करते हैं, और मैंने उनको काम करते हुए देखा कि पूरी लगन के साथ करते हैं, और जो भी डायरेक्टर बोलता था करते थे। डायरेक्टर तो भी हम हैं ही, एक्टर लोग होते ही हैं, डायरेक्टर ने जो बोला वही करने का जी। रंजीत सर ये रोल आप तक कैसे पहुँचा, आतंकवादी बनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? प्रेरित नहीं किया, देखो भाई जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक्टर हैं, हम कोई भी रोल आता है तो हम उस जैसा कुछ अटायर गेटअप लैंग्वेज बोलने का, असल लाइफ में तो हम आतंकवादी नहीं है ना, घर में थोड़ी आतंकवादी है बाहर थोड़ी आतंकवादी है, लोग प्यार से मिलते हैं हम भी प्यार से मिलते हैं, जब तक रोल चलता है जब तक सेट पे होते हैं उस कैरेक्टर में शॉट दिया फिर वापस हंसना खेलना शुरू कर देते हैं, ये थोड़ी सारा दिन या सारी शाम आतंकवादी बने रहते हैं। अब रहा ये कपड़ों का सवाल, ओ आजकल मैं हमेशा अपने स्टाइल से रहा हूँ जी, पहले मैंने कुछ और ड्रेस पहनता था, फिर उससे पहले जब हम थोड़े जवान थे तो जरा बटन बटन खोल के और लॉकेट वॉकेट लटका के ऐसे करते रहते थे, एक्टिंग वैक्टिंग तो आती नहीं थी। खैर वो भी टाइम निकल गया, अब 50 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, अब ये तो हमारी लाइफ का बोनस है, और ऐसे रोल जो हैं मिलते हैं तो करने में अच्छा लगता है, प्रोड्यूसर भी अच्छा है, उनसे ज़्यादा मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन डायरेक्टर साहब हैं बड़े क्लियर हैं, उनको जो भी चाहिए होता है वो लेते हैं, बोलते बहुत कम है लेकिन अपना काम करते रहते हैं, और मैं भी ज़्यादा इंटरफेयर कभी किया ही नहीं इन्होंने,
क्योंकि डायरेक्टर को हर चीज मालूम है, हम तो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे उसको क्या चाहिए पूरी स्टोरी के हिसाब से, तो एक्चुअली वही करना चाहिए, वही करता हूँ मैं। रंजीत सर, कपड़ों की बात, जैसा कि आप काफी लंबे समय से इस तरह के कपड़े इसी तरह के पहन रहे हैं, आपने कहीं इंटरव्यू में कहा था कि आप इसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और स्कार्फ के पीछे भी एक कहानी है, आपकी बेटी ने डिजाइन किया है। नहीं, वो क्या है कि ये जो कपड़े, एक तो देखिए सिंपल कॉटन है, तो जब मेरा कॉस्ट्यूम डिजाइन होकर आया तो उस आतंकवादी में उसका, उसने ठीक नहीं बनाया था उसने, तो मैंने डायरेक्टर साहब को देखा तो डायरेक्टर साहब बोले यार ये जो आप पहन के आए हैं इसी में कर लेते जी। मैं बोला इसी में कर लो, फिर मैं बोला कंटिन्यूटी में, नहीं नहीं जब जो कंटिन्यूटी में है उसके लिए हम बनवा लेंगे। मैं बोला फिर स्पेशल बनाना पड़ेगा, चलो मैं कंपनी को अपनी तरफ से गिफ्ट कर दूंगा तो काम कर लेंगे। तो टचवुड अभी डबिंग में देखा मैंने, आई थिंक ठीक ही लगता है। आपको कैसा लगता है? सर हमें तो आप हमेशा बेहतरीन लगे, इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है। जी, आप जी क्या कि मैं ज़्यादा यू नो गेटअप वेटअप या शक्ल बिगाड़ के या दाढ़ी रख के या कुछ ऐसा करके वो मतलब करेक्टर बनने की कोशिश नहीं करता हूँ, जो रियलिटी में है। तो एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ, रियलिटी में जो विलेन लोग होते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कपड़े भी अच्छे पहनते हैं और ज्वेली वुली डायमंड वायमंड ये वो सब पहनते हैं ताकि लोगों को लगे कि इज्जतदार आदमी है। लेकिन मैं देखिए अब सूट बूट सब बंद कर दिए हैं, ऐसे हैं बिकॉज वेदर भी वैसे ही है, कॉटन है, खुला है, नीचे सलवार भी लगती है, पैंट भी लगती है, धोती भी लगती है, तो चलता है जब तक अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। रंजीत सर, भोजपुरी फिल्मों के इशू पे एक बार फिर से वापस लौटना चाहूँगा। भोजपुरी फिल्में काफ़ी अच्छा बिजनेस भी कर रही हैं और अब बड़ा नाम भी कमा रही हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा जी ने अपने होम प्रोडक्शन में फिल्म बनाई। रंजीत जी, क्या ऐसी फिल्म बनाई जा सकती है? आप सोचते हैं कभी प्रोड्यूस करना या फिर उसे डायरेक्ट करने की? नो श्योर यार, भोजपुरी लैंग्वेज में कलर कितना है यार, देखो ना, और रेंज कितनी है। और हमारे यहाँ देखिए, मैं तब तो फिल्मों में था ही नहीं, लेकिन ये अपना दिलीप कुमार साहब ने जो काम किया था गंगा जमुना में जी, वो तो आई थिंक वो तो लैंडमार्क, वो तो देख के तो 50 बार देख लो, 100 बार देख लो, तो बोरी नहीं होता आदमी। और उन्होंने क्या बोली बोली है, और बड़ा मज़ा आता है। भोजपुरी भी मिठास भी है और थोड़ी मर्दानी भी है जी, दोनों चीज़ें अच्छी लगती। कई पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है बॉलीवुड के अंदर, अमित जी से या उसके साथ भी, उनके साथ आ पाए, अक्षय कुमार साहब के साथ तक आए, कई पीढ़ियों को आपने देखा। रंजीत जी 5 दशक 50 साल लगभग इंडस्ट्री में काम किया, कोई बड़ा बदलाव आपको दिखाई देता है इस इंडस्ट्री का? पहले तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, ऐसे आया किस्मत में लिखा हुआ था एक्टर बनना। और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 10-15 पिक्चरों से ज़्यादा नहीं देखी, अपनी भी नहीं देखता हूँ, काम किया ख़त्म। और फिल्मों में आने से पहले ना कभी टेलीविज़न किया था, ना कभी स्टेज किया था, और ना ही कभी और कुछ जो कनेक्टेड विद होता था यू नो मूवीज़ के साथ में। और हमारा तो फैमिली बड़ा ऑर्थोडॉक्स था, पिक्चर देखना तो दूर, मैगजीन भी नहीं हम लोग पढ़ सकते थे यू नो जी। तो और फिर शौक भी नहीं था, मैं फुटबॉलर था और मुझे एक वहम था कि ये फिल्में और ये चीज़ें हेल्थ ख़राब कर देती हैं तो वैसे भी नहीं मैं देखता था। और एक बात और आपके साथ में और ऑडियंस के साथ में शेयर करूँगा कि मैंने, मुझे लोगों ने बहुत पसंद किया है विलेन के रोल में, बहुत सारे रोल किए मैंने विलेन के। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मैं पक्का वेजिटेरियन हूँ, मुझे मटन का टेस्ट ही मालूम नहीं है, और शराब वगैरह नहीं पीता, सिर्फ सोशल ड्रिंकिंग को घर में आ जाओ पहले बार बोले बोले जी अकेले नहीं पिएंगे तो चलो मैं पकड़ लेता हूँ, मज़ा नहीं आता। लेकिन चाहे बर्फ़ गिर रही हो कुछ भी हो, मेरे फेलो एक्टर जो थे वो बोलते थे कभी कभी हम सर्दियों में या बर्फ़ में शूटिंग करते थे, ब्रांडी व्रांडी पी लई यार ये है वो, मैं अपने दूध दही का शौक था ना, बादाम बादाम डाल के कुछ ऐसा, और सिगरेट भी नहीं पीता हूँ, पर फिल्मों में ये सारे काम करता हूँ, बस उसी से मेरी इमेज बन गई विलन की, चलता है मज़ा आता है ना। और मैंने क्या हुआ कि इन सब एक्टरों के साथ में पहले मतलब राज साहब से, दिलीप साहब से, वहाँ से काम, सुनील दत्त साहब से, एक्चुअली उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया दत्त साहब ने, और ये जो मेरा नाम रंजीत है ये भी मुझे दत्त साहब ने दिया था। और क्या है कि उन दिनों में मेरा असली नाम है गोपाल जी,
तो उन दिनों में कुछ एक्टर थे, एक गोपाल सहगल थे, एक वी गोपाल थे, एक कॉमेडियन, और ऐसे थे कुछ नाम। तो मुझे दत्त साहब ने बोला, यार तू बचे अपना नाम चेंज कर ले। वैसे जरा हमेशा जोश में बोलते थे, मैं दत्त साहब आप ही कर दो ना चेंज। तो रेशमा शेरा में मेरी पहली पिक्चर थी, लेकिन सावन भादों पहले लगी नवी निश्चल और रेखा की, और इन दोनों पिक्चरों में मैंने हीरोइन के भाई का रोल किया था। और शर्मिली में मेरी तीसरी पिक्चर थी, उसमें मैं थोड़ा ग्रे शेड विलन का थोड़ा काम किया था। तो लोगों ने बोला कि नया विलन आ गया है ना, ऐसा कुछ, पर थोड़ा प्यार मिला लोगों से। तो मैं कह रहा था कि एक बार वो दत्त साहब ने बोला तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया मेरा। तो तब से परवाले का शुक्र है कि वो नाम की जो दत्त साहब ने दिया था, थोड़ी इज्जत रह गई, काम वाम मिला और हमने जस्टिफाई किया, लोगों ने प्यार दिया, मज़ा आया। सर, नाम आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी करता है? देखिए, अल्टीमेटली तो काम ही बोलता है ना। आप नाम कुछ भी रख लो, अगर काम नहीं ठीक है तो फिर वो लगता कि नाम भी खराब कर रहा है। सर, सेट पे मैंने सुना था कुछ लोग आपको गोली अंकल भी बुला रहे थे। देखो, जो छोटे हैं वो तो अंकल ही बुलाएंगे, और जो अपने लेवल के हैं, बराबर के हैं, वो जो सिर्फ गोली बुलाते हैं। क्योंकि मैं फुटबॉलर था, गोपाल से जब मैं फुटबॉलर था तो गोलकीपर था जी। तो मैंने बड़ी यंग एज में भी 8-8 घंटे फुटबॉल खेलना, मैं डूरेंट कप भी खेला, और एक्चुअली चाहत तो यही थी कि फुटबॉलर बनूं। लेकिन उन दिनों में वो आपने सुना होगा कि बुज़ुर्ग लोग यही कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अभी आजकल उल्टा हो गया है। तो इसलिए उन दिनों में खेल कूद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं थी, करियर ख़राब होगा, आगे जाके क्या करोगे, पढ़ाई लिखाई करो, ये बैरल चेक होता है आजकल, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ। और हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो वैसे भी वो प्रिंसिपल थे अमृतसर में, मैं पंजाब में पैदा हुआ और अभी 50 साल हो गए इंडस्ट्री में आया हूँ। और सबसे देव आनंद साहब से, सुनील दत्त साहब से, दिलीप साहब से, राजकपूर साहब से, राजकुमार साहब से, मतलब ऑल दोज दैट जनरेशन से मुलाकात हुई, काम भी किया। फिर उसके बाद राजेश खन्ना और धर्मेंद्र एंड फिरोज खान, उन लोगों के साथ भी काम किया। फिर उसके बाद में नए आ गए, यू नो, मिथुन एंड रणधीर कपूर एंड ऋषि कपूर एंड ऑल दैट, उनके साथ काम किया। फिर मिथुन ये ब्रेक डांस वांट्स ये नया चालू हुआ, ट्रेंड हिस्ट्री में चेंज होता रहता है बिल्कुल। तो जैसे जैसे आए तो फिर न्यू जनरेशन, फिर ये सलमान, शाहरुख, करण अर्जुन टाइप, यू नो, कुछ पिक्चरें थी उनमें काम किया। फिर उन दिनों में मैंने एक्चुअली काम बहुत कम कर दिया था, बीच में 10-15 साल काम नहीं किया, क्योंकि वो डबल मीनिंग डायलॉग्स, वल्गैरिटी चालू हो गई थी जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बाकी सब बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ भी काम किया, अमिताभ के साथ भी अपने काफ़ी रोल अच्छे हम दोनों ने किए हैं। एंड सबसे प्यार मिला और सबको प्यार दिया, सब ने इज्जत दी, मैं अभी तक भी सबकी इज्जत करता हूँ, और मुझे स्टेटस के साथ में कोई लगाव नहीं है। मेरा उन दिनों स्पॉट बॉय भी होते थे, उसको भी वैसे गले लगाते थे, हीरो को भी वैसे गले लगाते थे। तो ये अपना इवन संजीव कुमार, विनोद मेहरा, जितेंद्र, ये सब, यू नो, हर शाम को ये धर्मेंद्र जी, तो वो सब शाम को मेरे यहाँ होते थे, 2-4 हिरोइन भी होती थी, एक अलग समा था। अभी आपने बदलाव की बात की है, तो आजकल तो क्या है कि वैरायटी वैन्स आ गई हैं। हमारे ज़माने में एयर कंडीशनिंग होती नहीं थी, हम तो एक पेड़ वेड़ देख के या एक रिफ्लेक्टर से कैमरामैन को रिक्वेस्ट करते थे, यार एक रिफ्लेक्टर तो दे दो यार, तो उसके नीचे बैठ जाते थे अपने हीरोइंस, हीरो और बाकी कैरेक्टर्स। तो हम लोगों को इकट्ठे बैठना पड़ता था, मजबूरी होती थी, चाहे अगर नहीं भी चाहते हो तो भी बैठना पड़ता था। तो इस तरह वो फैमिली की तरह एटमोसफियर रहता था। अभी तो क्या है, शर्ट देते हैं, पहले तो एक्टर भागता है मॉनिटर देखने के लिए, अब भाई डायरेक्टर ने ओके बोल दिया तो ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी, तो मॉनिटर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद में सीधा एक हाथ में फ़ोन होता है, अब वैनिटी मैन में घुस जाते हैं, तो लगाव, प्यार, प्रेम सब खत्म हो गया, यू नो। अभी क्या है, और फिर ये इंडोर्समेंट्स, तो वो लगाव अभी मेरे को तो नज़र नहीं आता है, यू नो, जैसे था। पहले होता था, मिस करते थे कि यार चलो यार मिले नहीं, चलो चलो चलते हैं, कोई जरूरी नहीं कि फ़ोन करके जाना, कोई ऐसा नहीं था, जेन्युइन प्यार होता था, यू नो। विनोद खन्ना, एवरीबडी, राजेश खन्ना, सबके साथ में काम किया, मुझे सबसे अच्छा प्यार मिला है।
सर विलन की जहां तक बात की जाए, विलन जब आपके जमाने में विलन होते थे, आप होते थे, बाकी लोग वो विलन की तरह बोलते थे, बहुत सारे लोग उस तरह से कॉस्ट्यूम पहनते थे। आज जो विलन हो हीरो लुक वाले विलन है, सिक्स पैक एस बना के आते हैं, एकदम हीरो जैसे लोग दिखते हैं, ये विलन का चेंज है, इसे रंजीत जी कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने जैसे बोला ना आपको, ट्रेंड जो होता ना, जब मैं आया था तो बड़ी सोशल पिक्चरें बनती थी, फिर एक्शन बनना शुरू हुआ। पहले जमाने में हम लोग चाकू निकालते थे जी, फिर एक दूसरा बटन वाला चाकू आया, फिर वो गरारी वाला रामपुरी को चाकू ऐसा था उसको बोलते थे, और उसके बाद में पिस्टल रिवॉल्वर आनी शुरू हुई, फिर तो आपको मालूम है मशीन गन AK-47 वो सब चालू हो गया। अब वो वाला एक्शन खत्म हो गया, अभी तो सिर्फ ब्लास्टिंग वाले एक्शन चलते हैं। तो अभी तो हम तो सुबह बैठते थे घोड़े पे, रात को उतरते थे, एक हाथ में बंदूक होती थी, एक हाथ में घोड़े की लगाव होती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा हीरो को उठाया और घोड़े पे बिठा लिया उसको भी। मज़ा आता था काम करने का यार। अभी क्या, अभी प्लास्टिक है, थोड़ा सा शर्ट दिया, काम किया, पैकअप हुआ, भागो। और वैसे भी क्या होता था, तभी लोगों के पास प्रायोरिटी होती थी, टाइम होता था, काम तो सब करते थे, बिजी तो सब थे, हम मैं 8-8 शिफ्टें की हैं, यू कैन इमेजिन। उसके बावजूद मेरे घर पे हर रोज 5-6 हीरो, 3-4 हीरोइन, एक आध वैम भी होती थी, बिंदु जी आ जाती थी, अरुणा हिरानी आ जाती थी, तो ऐसा बड़ा मज़ा आया लाइफ, जर्नी बड़ी अच्छी रही। सर आपने कहा कि अश्लीलता की वजह से, वल्गैरिटी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से आप दूर चले गए थे, लेकिन जिस इंडस्ट्री के लिए आप फिलहाल आपने ये फिल्म की है, भोजपुरी, वो भी इस तरह के एलिगेशन से आज फेस हो रही है कि भोजपुरी सॉन्ग बहुत सारे वल्गर हो रहे हैं, आइटम सॉन्ग्स पे बेसिकली कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है इस पर? मेरा नज़रिया सिर्फ ये है, देखिए सिर्फ न्यूडिटी जो होती है ना वो नहीं बिकती है, उसमें भी क्लास होना चाहिए। देखिए राज साहब की पिक्चरें होती थी, वो भी दिखाते थे कि पद्मिनी, जिस देश में गंगा बहती है, पद्मिनी नहा रही है, ऊपर से वाटरफॉल गिर रहा है, पूरी साड़ी चिपकी हुई है, तो उसमें आपको वो वल्गैरिटी नज़र नहीं आती थी, वो भी आर्टिस्टिक लगता था। सत्यम शिवम सुंदरम में जीरोधवान, यू नो, ये ऑल दीज थिंग्स, यू नो, ध्यान दिया जाता था कि हमारा जो कल्चर है वो वल्गैरिटी, न्यूडिटी, गालियाँ। पीछे था मैं एक फिल्म में, मुझे बोले जी, मैं कोई इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था इन्वेस्टिगेशन के लिए, बोले साहब आजकल तो ट्रेंड चला है, बड़े बड़े एक्टर भी गालियाँ निकालते हैं, और आप बोल दीजिए ना तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, रियलिटी में भी बोलते हैं। मैं बोला फिर जो बोलते हैं यार उन्हीं को ले लो, मेरे को क्यों लेते हो यार, आपको एक्सप्रेशन चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको मिल जाएंगे ना, बिना डायलॉग के भी मिल जाएंगे। तो उसमें अभी देखिए, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी सामने साथ में बैठी हो, तो हम वो घर में थोड़ी ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, और जब वो सामने आता है, इवन हमारा स्टाफ भी होता है, इकट्ठे रहते हैं हम लोग, तो उनके सामने कोई ऐसा सीन भी नाते थे, मैं बड़ा ऑकवर्ड फील करता था, तो फिर मेरा बड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड 2 फिल्म्स, मेरी पहली पिक्चर कारनामा थी, मैंने खुद अपने कंधे पर बंदूक चलाई, बनाई भी मैंने खुद, डायरेक्ट भी खुद की। नहीं तो क्या होता है, प्रोड्यूसर बोलता है यार मैंने डायरेक्टर को तो इतना दिया, साला मेरे को मरवा दिया, डायरेक्टर बोलता है यार मैंने ये मांगा था, प्रोड्यूसर ने सप्लाई नहीं किया, तो एक दूसरे कंधे बंदूक चलाते हैं, चल जाए तो सबकी जय जाए। तो उसमें बड़ा मज़ा आया, और रिशिदा उनके साथ भी काम किया मैंने, तो उन्होंने मेरी पिक्चर देखी, मुझे गले लगाया, बड़ा प्यार दिया उन्होंने कि यार तुम ऐसे टिटिलेटिंग सीन लिए हैं, लेकिन मैं काट नहीं सकता हूँ, सेंसर बोर्ड के चीफ थे उन दिनों में, सेंसर बोर्ड के जी, तो अच्छा है। तो और बोलिए, जिस फिल्म की बात कर रहे थे, आतंकवादी, आतंकवादी रिलीज पर है रंजीत जी, है। इस होली पर रिलीज हो रही है, आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर खास तौर पे? देखिए जी, हर एक्टर चाहता है कि उसने जिस फिल्म में काम किया है ऑडियंस देखे, अगर ऑडियंस पसंद करती है तो हम लोग हैं, ऑडियंस पसंद नहीं करती तो हम लोग नहीं हैं, अगर वो नहीं देखेंगे तो हम किसके लिए पिक्चरें बना रहे हैं। और जहाँ तक आपने मुझे बोला कि आपने इस पिक्चर में क्यों काम किया, अभी देखिए कल्चर होता है, आपने बोला कि इसमें भी जो आइटम नंबर्स होती हैं ये होती है, ऐसी एक एंटरटेनमेंट अलग होती है, वल्गैरिटी अलग होती है। नो सर, क्रूडली मैं बात करता हूँ, हम लोग कोई ब्लू फिल्म नहीं बना रहे, नो, तो उसमें ये नंगापन का मतलब नहीं है, चलता वही है जो थोड़ा सा नेचुरल भी लगना चाहिए, यू नो, और ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है, और इसमें डिपेंड करता है कौन क्या काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा है, ऑल दैट। एक आखिरी चीज कैमरे पे देख के रंजीत सर बता दीजिए कि क्या आने वाले वक्त में हम आपकी और भी फिल्में भोजपुरी में देख पाएंगे?
आई वुड लव टू, मुझे तो बड़ा मजा आया ना, मैंने कहा। और हमको तो बोलनी वैसे भी अच्छी लगती है, नो जैसे हमने अभी बोला ना, दिलीप साहब की पिक्चर गंगा जमुना अभी तक याद है। फिर उसके बाद पिक्चरें मैंने बहुत कम देखी जी, और वाइल वर्किंग तो मज़ा आता ही है, तो इसलिए भोजपुरी हो। वैसे तो मैं हिंदुस्तान की हर लैंग्वेज में काम किया है जी, भोजपुरी में भी किया है अभी काम, तो मज़ा आया, अच्छा लगता है। अगर रोल मिलेगा तो ज़रूर करेंगे, और बाकी बंदिश नहीं है कि विलन का ही करना है या कौन सा करना है, बाप का, भाई का, बेटे का, चाचा का, जो भी रोल होगा उसको वैसे ही अदा किया जाएगा। थैंक यू सर, रंजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया एक और खूबसूरत इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच सर। वहाँ ऑडियंस से बस यही है कि आप हमारी ये पिक्चर देखिए, आतंकवादी प्रोड्यूसर भी बड़े अच्छे इंसान हैं, उनका भी हौसला बढ़ेगा, और हीरो तो आप लोग चाहते हैं सब टॉप हीरो, और हीरो भी बड़ी अच्छी हैं और बड़े डिसेंट हैं। मेरे को सर, मैं बड़ा लकी हूँ कि सब ने मुझे सेट पर भी इज्जत दी, बाहर भी इज्जत दी, क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा सीनियर था इस पिक्चर में। और अभी देखो ना, अभी 75 साल के हो गए अभी, क्या अभी तो बोनस है लाइफ का, मज़ा आया। डायरेक्टर साहब भी अपना टू द पॉइंट हमसे काम ले लिया, जो चाहिए था वो हमने देखा, अच्छा काम किया है, अच्छे शॉट्स लिए हुए हैं, और ऑडियंस को ज़रूर पसंद आएगी पिक्चर। सर जिस उम्र में बहुत सारे एक्टर्स छुट्टी लेकर रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाते हैं, उस उम्र में भी आप काम कर रहे हैं और बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। सब एक्टर को कोई भी काम जब तक होता है, मज़ा आता है, तब तक करते रहते हैं। मेरी तो लाइफ उल्टी चालू हुई, लोग पहले स्टेज पर जाते हैं जी, फिर टेलीविजन पर जाते हैं, फिर फिल्मों में आते हैं, और मैं फिल्मों में आया आके कहाँ तक आपको मालूम ही, ऑडियंस को मालूम है मैं कहाँ तक पहुँचा, और फिर वहाँ जाके बोर हो गया, फिर मैंने बोला यार टेलीविज़न करते हैं, तो टेलीविज़न किया, फिर अभी मैं स्टेज भी किया, कॉमेडी कर रहा हूँ, यू नो ऑल दैट, तो मज़ा आता है जो कुछ भी है जैसा भी है। थैंक यू सर, रंजीत सर शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही मज़ा आया आपका इंटरव्यू करके। थैंक यू सर। थैंक यू, मुझे भी बड़ा मज़ा आया। नेक्स्ट टाइम हम अगर आप चाहें तो हम आपके साथ में भोजपुरी में बात करेंगे। बिल्कुल सर जी, आई वुड लव। थैंक यू। मुंबई से आनंद कमलेश की रिपोर्ट।